हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमर, आपको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा फोन पे से ट्रेन टिकट बुक कैसे करेंगे, उसी के टॉपिक पे हमारे वीडियो होने वाले। वीडियो में आज के वीडियो का लाइक और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। तो दोस्तों, इस फोन पे टिकट बनाने के लिए आपको चाहिए दो चीजों के, यूजर नेम IRCTC का और IRCTC का पासवर्ड। इस तरह IRCTC का यूजर नेम और पासवर्ड किस तरह जनरेट करेगा उसके टॉपिक के वीडियो में ऑलरेडी बना के रखा हूं, उसका लिंक आपको आई बटन पे देखने को मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दिया हूं, आप वहां जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो पूरा देखते रहिए, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन भी प्रेस करिए। तो चलिए लेके आते हैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर। तो दोस्तों, चलिए मैं फोन पे को ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखने को मिलेगा, जैसे आप ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आपको नीचे होना है ऐप्स के ऊपर, ठीक है ना, या ऐप्स के ऊपर जैसे आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिखने को मिलेगा IRCTC, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सर्च करना है आप कहाँ से कहाँ जाना है, ठीक है ना। उसी के यहाँ पर टाइप करना है जो कि आप कौन सा स्टेशन से कहाँ जाना है, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से रांची, जहाँ भी आपको जाना है उस तरह आपको यहाँ पर सर्च करना है, ठीक है ना। तो चलिए मैं यहाँ पर पहले दे देता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च दे दिया हूँ भोजूडी जंक्शन टू सांताल डीजो, ठीक है ना। इस तरह से आपको देना है। देने के बाद आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिला डेट का ऑप्शन, तो यहाँ पर आपको डेट पे कैलेंडर पे चूज कीजिए। चूज करने के बाद आपको यहाँ पर डेट कौन सा डेट पे आपको जाना है उस डेट का आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए मान लीजिए मैं यहाँ से कोई भी डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ डेट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा क्लासेस, ऑल क्लासेस, ठीक है ना। ऑल क्लासेस के ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे क्लिक कीजिए आप कौन सा क्लासेस पे सीट बुकिंग करना चाहते हो, ठीक है ना। AC जैसे आपको जो भी क्लासेस चाहिए आप यहाँ से देखने को मिल रहा है आपको सारे चीज़, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ स्लीपर पे, स्लीपर क्लास पे ले लेता हूँ। लेने के बाद आपके यहाँ पर देखने को मिला कोटा, जो भी आपके यहाँ से जनरल कोटा, टोटल कोटा, जब मैं यहाँ जनरल पे क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके यहाँ सर्च ट्रेन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। सर्च ट्रेन के ऊपर जैसे क्लिक किए तो दोस्तों यहाँ पर मुझे एक ही ट्रेन दिखने को मिल रहा है जो कि उस डेट पर है, तो ये वाला ट्रेन, ठीक है ना। उसके बाद आप मैं यहाँ पर ट्रेन के ऊपर क्लिक करूँगा। चलिए मैं आपको डेमो के लिए दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 170 रुपये, ठीक है ना। चलिए मैं यहाँ पर अवेलेबल सीट, जो कि यहाँ बहुत सारे सीट अवेलेबल है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको दिखने को मिला सीट अवेलेबल। जैसे आप यहाँ सीट अवेलेबल पर जैसे दिखने को मिलेगा तो यहाँ पर आपको नीचे दिखने को मिला सो अदर क्लास, आप यहाँ से भी अगर एडिट करके चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आप अगर अदर्स में सीट लेना चाहते तो अभी भी मौका है चेंज करने के लिए, ठीक है ना। तो मैं अदर्स में नहीं लूँगा। तो चलिए मैं आपको डेमो के लिए मैं दिखा रहा हूँ ये सारी चीज़, ठीक है ना। अगर वीडियो मैं यहाँ पर सीट कन्फर्म नहीं करूँगा क्योंकि मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ कि आप इस तरह से आसानी से आप अपने टिकट बुक कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं इस पर ऑलरेडी टिकट बुक कर किए हैं ऑलरेडी 2-3 आदमी को। तो चलिए इसके ऊपर आपको प्रेस करना है इसके ऊपर, ठीक है ना। जैसे आप इसके ऊपर प्रेस कीजिएगा। प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर अपना यूज़र नेम देना है, जो कि यहाँ ऊपर पर दिखने को मिल रहा है, जो मेरा यूज़र नेम है IRCTC का अमरटेक। यहाँ पर आपको दिखने को मिला फॉरगेट पासवर्ड, एंड अगर आपके पास अगर पासवर्ड अगर आप भूल गए हों तो आप यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास पासवर्ड मालूम है तो आप ये नीचे वाला ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मेरा IRCTC का अकाउंट ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर दिखने को मिलेगा आपका नाम, ठीक है ना। जो आप जिसका भी टिकट बना रहे हो तो उसका नाम यहाँ पर टाइप कर दीजिएगा, फुल नाम, ठीक है ना। जो भी नाम जिसके नाम पे बना रहे हो, तो चलिए मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ। और उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर एज भी भरना है, जो कि मेरा एज लगा दिया 23, जो भी एज है आपका। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना, मेल फीमेल जो भी है, ठीक है ना। उसके बाद कंट्री भरना है, जो कि इंडिया से आप कहीं दस इस तरह से आपको भरना है। आपको नीचे आना, अगर आप नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको ऐड कर सकते हैं। अगर आपके साथ कोई बच्चा है तो आप यहाँ से ऐड कर लीजिएगा। 4 साल से अगर छोटा है तो आप यहाँ से ऐड कर लीजिएगा। जो भी नाम है नाम दे दीजिएगा, उसका एज भर दीजिएगा, मेल है या फीमेल है या, ठीक है ना। इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर 5 साल से बड़ा है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, वहाँ से आप यहाँ को ऐड कर दीजिएगा, ठीक है ना। इस तरह से आपको ऐड करना है जो भी है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर देना है, जो कि मैं ऑलरेडी दे कर रखा हूँ। उसके बाद आपका अपना ईमेल आईडी, जो कि आपका यूज ऑटोमेटिक यहाँ पर शो हो जाता है, जो कि आपका IRCTC में जो अकाउंट नंबर होता है ना रजिस्टर, वैसे यहाँ पर शो होने लग जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। जो कि मैं यहाँ पर शो सिक्योरिटी के लिए सारी चीज़ में हाइड करके रखा हूँ। नीचे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ नीचे देखने को मिलेगा कंटिन्यू के ऑप्शन पर, आप कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए, कंटिन्यू करने के बाद आप यहाँ से आप एक बार सब कुछ चेकआउट कर लीजिएगा। करने के बाद उसके बाद आपको पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पेमेंट के ऊपर कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको जाने का पेमेंट के ऊपर जाना है। पेमेंट के ऊपर जाते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो आप पेमेंट किस तरह से करना चाहते हैं। आप अकाउंट से कीजिएगा या भीम डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से या भीम UPI से, जिस तरह से आप करना चाहते हैं उस तरह से आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आप जैसे यहाँ से पेमेंट कर दीजिएगा, पेमेंट करने के बाद आपको फिर से IRCTC का यूज़र पासवर्ड मांगेगा वहाँ पर, ठीक है ना। वहाँ पर पेमेंट जैसे सक्सेसफुल हो जाएगा थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, जो कि 2-3 मिनट वेट के लिए टाइम लेता है वहाँ पर। टाइम लेकिन लेने के बाद आपको वहाँ से IRCTC का पासवर्ड जेनरेट कीजिएगा। जेनरेट करने के बाद आपको IRCTC पे
जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर है, ईमेल आईडी रजिस्टर है, उस पर आपके सारे डिटेल्स आ जाएगा आपका टिकट कन्फर्म होके, सारी चीज़ आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। आप कहीं भी जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। आई होप अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पर प्रेस कर देते। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।